गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको पिछले लेसन में वंशागत के बारे में और कुल वेधन, परिवार नियोजन, जनसंख्या, आदि मानव जनन के बारे में बताया गया। ये नया लेसन आपको बताया जा रहा है, इसमें आपको बताया जाएगा ये कि जो वंशागत में लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं उनको ले जाने वाला होता कौन है। यहां पे जो टॉपिक है वो इस तरह से मान के चलिए कि आनुवंशिक पदार्थ कोई ऐसा पदार्थ है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है और उसे ही कहा जाता है अनुवांशिक पदार्थ। अब ये पदार्थ है कौन, तो अब देखिए यहां पे मालूम है आपको कि सेल में एक होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लिक अम्ल और ये न्यूक्लिक एसिड दो भाग में बटा होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब ये कैसे वेरिफाई होगी, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसके लिए चेस तथा हर्षद में एक और दूसरा ग्रिफिथ आदि में ये अपने प्रयोगों के द्वारा स्पष्ट किए कि नहीं, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब वो आपको हम बाद बताएंगे, तो पहली बात आइए थोड़ा सा डीएनए के बारे में आपको बताते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता कैसे या अनुवांशिक डीएनए है क्या। देखिए डीएनए जो है एक बहुत बड़ा जैविक अणु होता है और उस बहुत बड़ा जैविक अणु होने के कारण ये तमाम आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है और इसीलिए इसको जीवन का अणु कहा जाता है, जीवन का अणु। अगर ये ना हो जीवन बिल्कुल निल है, कुछ नहीं है जीवन, तो इसलिए डीएनए एक जैविक अणु माना जाता है। और बृहद है, बृहद का मतलब होता है मैक्रो, बहुत बड़ा अणु है ये और ये तीन
तीन कार्बों से मिलकर बना होता है। नंबर एक डीऑक्सी शर्करा या पेंटोस शर्करा, नंबर दो नाइट्रोजन क्षारक, नंबर तीन फास्फोरिक अम्ल। ये तीन छोटे छोटे अणु मिल करके और डीएनए का एक बहुत बड़ा अणु बनाते हैं। ऐसे जैविक अणु कहा जाता है। और माइस्टर नामक एक वैज्ञानिक सन 1864 में माइस्टर नामक वैज्ञानिक ने इनको पस सेल्स में इनको डिस्कवर किया था माइस्टर 1864 में इनकी खोज हुई। और इसके पहले न्यूक्लिक अम्ल में तमाम लोगों ने बताया, लेकिन एक्चुअल में माइसर ने ही इनकी खोज की। और इसके बाद भी धीरे धीरे करके ये क्योंकि उच्च अणुभार के अणु होते हैं इसलिए इनको, तो ये तीन जो आपके डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी शर्करा या पेंटोस शर्करा या नाइट्रोजन क्षारक या फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिलकर के बहुत बड़ा अणु बनाते हैं। और ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ का रूप ले लेते हैं। और इस संबंध में सबसे पहले विल्किंस रॉसलैंड ने इसके बारे में बताया, फिर इसके बाद वाटसन और क्रिक ने इसके मॉडल को प्रस्तुत किया जो पूरे ब्रह्मांड में जाना गया। तो सब अब इसको आगे बताते हैं आपको डीएनए की, डीएनए का रासायनिक संगठन। आज पाल जी कह रहे थे कि डीएनए एक उच्च अणुभार का अणु है। जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो इस तरह से परिभाषा हो गई। डीएनए एक उच्च अणुभार का अणु है जो हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड में ही तीन चीजें पाई जाती हैं, ये तीन यूनिट्स हैं, इनसे मिल करके बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड और इनसे मिल करके बनता है
न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरीके से शर्करा नाइट्रोजन बेस मिलकर के बने ये न्यूक्लियोसाइड, और इसी से अगर ये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरीके से एक डीएनए के अणु में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल पाए जाता है, जिसके फलस्वरूप चार आपको न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे और चार आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। तो ये चार न्यूक्लियोसाइड और चार न्यूक्लियोटाइड आपको नोट्स में भेज देंगे, उसमें देख लीजिएगा। पहला होता है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमेडीन। ये चार न्यूक्लियोसाइड हुए और इन्हीं के अंतर्गत चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमेडिलिक अम्ल। ये चार चार न्यूक्लियोसाइड और चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनका जिनके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए।